सरला डेडलाइन जेकोसी समय गाजा उपरे आक्रमण करिपारंती इज्राएल सेना हमास को निज कब्जा को नवापाई आगो को बढ़िबे इज्राएल सेना हमास उपरे आक्रमण पई गतकाली इज्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू 24 घंटार चेतावनी देथिले आउ 24 घंटा सरी आसुथिबा बेले एबे समस्तंक नजर रहिछि कोन करिबो इज्राएल सेना कुआ जाउछि गाजा उपरे आक्रमण को जोरदार करिबो इज्राएल सेना आउ संध्या परे गाजारे पसी ग्राउंड रे युद्ध करिबा पई सीमारे टैंक सहित इज्राएल सेना मुतन रहिछि पाखापाखि 3 लाख इज्राएल सेना गाजारे प्रवेश करिबा पई प्रस्तुत होइ रहिछन्ति गत 24 घंटे गाजार विभिन्न स्थान में रॉकेट मार कर इज्राएल एथिरे 324 जनों मृत्यु होता बेले हजारे अधिक आहत होता इज्राएल स्वास्थ्य मंत्री कहते इज्राएल सेनार आक्रमण में हमास वायुसेनार मुख्य मिराद आबू मिराद मृत्यु होती गाजा सहर में हमास आतंकी ठिकन इज्राएल वायुसेनार आक्रमण में मिराद्र मृत्यु होता कहुच्छ वेस्ट बैंक में घन घन बोमा मार कर इज्राएल केतेक अज्ञातधारी युद्धास्त्र धरी इज्राएल सीमा भितर को प्रवेश करुवा देखा पर बोमा मार कर इज्राएल सेपटे जीवन रक्षापी दक्षिण गाजा अंचल को पलायन करुंचन लोके पा छुआ धरी पालेस्टाइन नागरिक मैंने दक्षिण गाजा अंचल को जाता देखापी मिली दक्षिण गाजा को लोके पलायन करुवा बेले से अटक रखी हमास आतंकवादी ढाल कर इज्राएल सेना कही है दिजो ना हमास आतंकवादी को गणी गणी हत्या करा बोली चेतावनी देछि इज्राएल यार भितर घमाघोर युद्ध और आशंका बढ़ुची कारण बेंजामिन नेतान्याहू देथिबा अल्टीमेटम मात्र आउ 6 घंटा रहिला 24 घंटा पूरीबा जाउची प्रतिरक्षा विशेषज्ञ प्रभास मिश्र आम सहित जोड़ुछन्ति वर्तमान स्थिति और आगामी समय इज्राएल कौन सब कर पारे से संपर्क में आम आलोचना करवा श्रीयुक्त मिश्र आपको स्वागत करुच्छी अल्टीमेटम पूरीबा मात्र 6 रु 5 घंटा रहिला यहाँ इज्राएल सेना कौन कर पारे कौन सब आप देखुं आकलन बा संभावना नाइस क्वेश्चन 24 घंटा बीतवा को जाऊला तो बाइडेन नेतान्याहू को सांगरे जो बाइडेन कथबार्ता करते देर वाज अ प्रेशर फ्रॉम यूनाइटेड नेशन के 11 लाख लोक को सेमाने अवस्थापित करिपारिबे नाही बहुत असुविधा तेणु से बाइडेन रिक्वेस्ट करते किसी समय बढ़े दिंतु से समय से 6 घंटा आहरी बढ़े देते नॉर्थ गाजा रु साउथ गाजा जावाई मैंने दुईटा इज्राएल दुईटा करिडोर से करिडोर से मैंने 6 घंटा बढ़े 6 घंटार समय आज सन्या 6टा सुधा वर्तमान से सरीज तेणु आज राति एक्शन दिस इज द लास्ट टाइम द एक्शन स्टार्ट से मैंने या मधे बम्पिंग करमास लीडर एयरफोर्स लीडर को मारी सारे बर्तमान जोड़े जिन कह यूनाइटेड नेशन दे हैव आस्क्ड इज़राइल टू विथड्रॉ दैट 24 आवर्स नोटिस जो देते गाजा लोक मान विथड्रॉ करने करने इज़राइल को रिक्वेस्ट करते यूनाइटेड नेशन रिक्वेस्ट को इज़राइल नेतान्याहू प्राइम क्लीयरली खारिज कर देता कह आम तुमको मानव ना आम लोक प्राय 1500 लोक मरले विल गो अहेड ऑफ किलिंग ऑफ हमास या परे यूनाइटेड नेशन आंटोनियो गुटेरेस वर्तमान बहुत चिंतार अच्छा कारण गाजारे माने अवस्था बहुत खराब लोक मान को खावाक मिलूनी पीवा को पानीवा को मिलनी बारांदीवा को इलेक्ट्रिसिटी ना गैस ना मेडिसिन ना हॉस्पिटल रे मेडिसिन ना तेणु बड़ा असुविधा हो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पोक्समैन बड़ा क्लियरली कहते कि जहाँ असुविधा होती वर्तमान गाजारे लोक मैंने ऑटोमेटिक मरी चली जाए गाजार लोक मैंने खावाक न पाई मेडिसिन न पाइक बहुत लोक मरी जाए तेणु से कहते आम को WHO को आम 20 किलोमीटर भितर को पशिकी आम गोटे घंटा भितर 20 किलोमीटर गाजा भितर पशिकी पूरा मेडिसिन सप्लाई कर यूनाइटेड नेशन इज वेरी आंटोनियो गुटेरेस बहुत चिंतित अच्छा कि खाद्य पदार्थ न गले लोक मरी जाए कि बर्तमान पालेस्टाइन रे बर्तमान 2215 लोक प्राय मरी सारे एयर एयर अटैक चली रही वर्तमान टैंक एडवांस कर सारा बिल्कुल संख्या जदि बढ़े कौन आश्चर्य हवा कथ नुहे आपति कहते आम युद्धर गोटे पटे देखुचे अंपट स्थिति जी साधारण नागरिक अच्छा निरीह नागरिक अच्छा से भोगुं खाद्यर समस्या स्वास्थ्यर समस्या विभिन्न प्रकार समस्या भितर जर्जरित यार भितर भिटामाटी छाड़ापी से बाध्य श्रीजुक्त प्रभास मिश्र एक कहतु जिते आम देखुचे ग्राउंड में बर्तमान आग को बढ़े टैंक सहित इज्राएल सेना सेठाकार भौगोलिक भित्तिमि कौन टैंक के सुविधा
रखा हेबो एवं केते समय लागी पारे पूरा से अंचल केते वर्ग किलोमीटर ताकु निज आयत्त को नबा पई इजराइल सेना को बिल्कुल आई मीन टैंक पई से एरिया रे टैंक जे कोनसी जगह रे से जाई परिबो जैसे गाजा रे टैंक मूवमेंट करना मेडिटेरियन पर्यंत गाजा रे गाजा एक मोरलेस प्लेन एरिया टैंक विध्वंस करी जो रोड थी चढ़ी करी टैंक चल जाए पर टैंक पे कौन सी ऑब्स्टेकल नहीं ऑब्स्टेकल कौन हो ची वर्तमान हमास माने जो लोक माने वर्तमान पलायन कर आज संध्या छटा वर्तमान सुधा टाइम शेष हो गला लोक माने जो पलायन पलायन कर लक्ष लक्ष लोक से मानको हमास माने ब्लॉक कर लोक मान को पालेस्टाइन लोक मान गाजार लोक मान सिल्ड कर बॉडी सिल्ड कर रखा चाहते ताकि जदि सैन्य आसती इस्राएल सैन्य ग्राउंड फोर्स आसती मारे आग पालेस्टाइन लोक मैंने मरवे तेणु से सिल्ड कर बॉडी सिल्ड करने ब्लॉक करते लोक बर्तमान आ मानु ना हमास को से बहुत जोर पलायन कर छाड़ी चली जी बर्तमान इस्राएल देखते वेस्ट बैंक रे आतंकवादी बर्तमान पशु तले वेस्ट बैंक पशु तले इस्राएल भितर को समान को मार दिखाई वेस्ट बैंक रे प्राय 35 जन लोक पालेस्टाइन मान लोक अरेस्ट कर आप्रिहेंड कर अरेस्ट कर जेल रखाई इस्राएल कारण से वेपन स्लैब तेणु एटा बर्तमान जना पड़ब गाजार अवस्था जहाँ जना पड़ टुनाइट इज द सिचुएशन कौन हम सेटा जना पड़ी बिल्कुल एवं आज राती बा आज राती जथेष्ट गुरुत्व रखुची कारण जो आभिमुख्य रे इजराइल सेना वर्तमान आगो को बढ़िबे निश्चय बा गाजा पई बा गाजा वासी को पई ए चिंता रो विषय एवं से माने गुटे प्रकार बा मनस्थ करि नै चंती कि हमास रो समस्त आतंकवादी को निपात करिबे एवं दर्शक बंधु यार भितरे बेंजामिन नेतन्याहू जो 24 घंटा रो अल्टीमेटम बा मोहलत दैथिले से मोहलत सरिबा पई जाउची हातरे मात्र आ 6 घंटा रे पाखापाखी 11 लक्ष लोक गाजा शहर रो वर्तमान स्थानांतरित होती किसी लोक रही जापारती यही आकलन करिए मैंने रही जीवन निश्चय विपद से पड़ कारण इज्राएल कठोर आभिमुख्य पोषण करुच्ची पूरा गाजा को केमी निज नियंत्रण को नेब जो जगार हमास आतंकवादी अच्छा से खोजी खोजी मर जा श्रीजुक्त प्रभास मिश्र हमास आतंकवादी को हमास संगठन को पूरा लोप करने गोटे प्रकार पण कर बर्तमान इज्राएल और लगातार भाव में आम अपडेट देखुचे हमास रनेक संगठक जी मैंने नेतृत्व नौते से भाई किसी व्यक्ति प्राण हर सारे केते बेले बुझा पड़ब कि हमास निपात हो गला एवं इजराइल सुनिश्चित हेबो मु क्लियरली कहे कि हमास रे जेतो बड़े एडवांस होचे लेबानन हैज क्लियरली थ्रेटेंड लेबानन एब्सोल्युटली थ्रेटेंड इजराइल दैट वी आर गोइंग टू हैव ए वॉर विथ यू इफ वी आर गोइंग टू किल गाजा पीपल देनो लेबानन रो हिजबुला असलो को परे आज हेवी रॉकेट फायरिंग करछि बहुत हमर इजराइल रो बिल्डिंग बहुत ध्वंस हो जाय छि आज से माने हिजबुला तेणु यार एयर स्ट्राइक होती इस्राएल लेबानन रे आज एयर स्ट्राइक करती तो लेबानन रो गोटे फ्रंट ऑलरेडी खुल सारा बट इस्राएल और नेतन्याहू विल नॉट स्टॉप टुनाइट आज से माने तांकर पदातिक सैन्य ग्राउंड फोर्सेस प्लस टैंक से माने एडवांस करेबे एवं करेबे एवं करेबे मेन हला से मानकर केवल जे फाइट हबो हमास को संगरे तान नहि को देखे बड़ा बाइडेन बड़ा क्लियरली डोंट किल इनोसेंट सिविलियंस ट्राई टू अवॉइड किलिंग्स इनोसेंट सिविलियंस ऑफ गाजा तेनाली चेक करिया पड़ी आ मेन इंटेंशन हला जेते टनल अच्छे गाजा सिटी भितर जेते टनल अच्छे तार मुह सब आगे कही हॉस्पिटल को खोला है स्कूल भितर खोला है मेडिसिन दुकान रे खोला है मार्केट भितर खोला है हमास रो जो स्लीपर सेल्स अच्छा घर भितर खोला टाइप रो देखा पड़े मुह कौ पटे से डेफिनेटली क्लीयरली कहे टनेल को डेफिनेटली ध्वंस करेंगे ऑटोमेटिकली ऑल रॉकेट्स एंड रॉकेट फैक्ट्री अच्छी दैट विल बी डेमोलिश हमास मैंने बाहर को बाहर जी कारण से सब भितर रही फायरिंग करेणु जहाँ हम आज रात्रि लड़े बहुत किसी का सका सुधा देखा पड़ो कौन है तेणु लेबानन रो फायरिंग जारी रहिबो वेस्ट बैंक रु मध्य फायरिंग आरंभ होची लेबानन हैज थ्रेटेंड रशिया मध्य यूनाइटेड नेशन कहिछि कि एथरे शांति शांति प्रस्ताव आसवा दरकार और इस्राएल जो अच्छी अटैक करबा उचित नुहे
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନଗଲେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିବ, ବହୁତ ଗାଜାପଟର ଲୋକ ମରିଯିବେ। WHO କହିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଡେଞ୍ଜରସ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିସିନ୍ ପିପୁଲ୍ ୱିଲ୍ ଡାଇ ଇନ୍ ଗାଜାପଟି। ଆଉ ଗାଜାପଟରେ ନା ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନା ପାଣି, ବିଲକୁଲ ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା ନାହିଁ, ସେଠି ଜୀବନ କିଭଳି ଥିବ ବା ଜୀବନ କେତେ ଦୁର୍ବିସହ, ଏକଥା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର, ଯେମିତି ଆଜି ରାତି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ରାତି ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ କାଲି ସକାଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖବର ଆସିପାରେ, ଏବଂ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ପୂରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବା ଗାଜା ଅଭିମୁଖେ ବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ହାମାସର ଆଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି କି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ କି? ଗାଜାରେ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଗଠନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗୁଛି କି, ମନେ କରାଯାଇପାରେ କି? ବିଲକୁଲ ବଡ଼ କ୍ଲିଅରଲି ମୁଁ କହୁଛି କି ହାମାସ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ ଦିନ ବିତିଗଲା, ତେଣୁ ଅଫକୋର୍ସ ଯଦି ପେନିଟ୍ରେସନ କିଏ କରିଥାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ଲେନ୍ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବନି, ଯାହା ବା କିଏ ଆସିବ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଦେଇ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଲା ହେଇଥାଏ କୋଉ ପଟକୁ ତେବେ ଆସିପାରେ। ଦେଖିନ ତିନି ପଟରେ ତ ଇସ୍ରାଏଲ, ଗୋଟିଏ ପଟ ହଉଛି ମିଶ୍ର, ମିଶ୍ର କହିଦେଇଛି କି ଆମେ ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶରଣାର୍ଥୀ ନବୁନି, ଯଦି ମିଶ୍ର ପଟକୁ କୌଣସି ଟନେଲ ଖୋଲା ହେଇଥାଏ ତେବେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଇଦର ହିଜବୁଲା ଅର୍ ସିରିଆର ISIS ପେନିଟ୍ରେଟ କରିପାରନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ କେବଳ ହାମାସ ରହିବେ। ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଲିଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର, ଏ ଦୁଇଟା ଦୁଇଟି ଯାକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ଲସ ଲେବାନନ ଫ୍ରଣ୍ଟଟା ତ ଅଲଗା ରହିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଏବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର୍ରେ, ଇଟ୍ ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆଡଭାନ୍ସ କିଏ ହବ, ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ହବ ସେ କେମିତି ଆଡ୍ ନେଇକରି ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେଫ୍ କରିକି ଫାୟାରିଂ କରିପାରିବେ, ହାଉ ଟୁ ଲୋକେଟ୍ ଦ ଏନିମି, ସବୁକିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ। ରାତରେ ନାଇଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବି ତାଙ୍କର ଦରକାର। ତାପରେ ପେନିଟ୍ରେସନ ପାୱାର ଅଫ ୱେପନ୍ସ, କେବଳ ୱେପନ୍ସ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ସ କେବଳ ତ ଆପଣ AK-47 AK-56 ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଗୁଡ୍, ତେଣୁ ବେଟର ୱେପନ୍ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ନେବାକୁ ପଡିବ, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଲଞ୍ଚର ନେବାକୁ ପଡିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକେସନ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ସାଟେଲାଇଟ କଭର ଆଉ ଡ୍ରୋନ କଭର ରାତିରେ ରହିବ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ହାମାସର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଫାୟାର କରିବେ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଫାୟାର କରିବେ, ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ଫାୟାର କରିବେ। ଅଫକୋର୍ସ ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଠି ପାଉଡର କଟିଆ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ଅପୋଜିସନ। ହାମାସ ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସେମାନେ ତମକୁ ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି କହିଦଉଛି ଆଜି ୟା ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିଦେବେ ଡେଫିନେଟଲି। ହାମାସ ପୁଣି ତାପରେ ଛଅ ମାସ ପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ହାମାସ ନୂଆ ହେଇକରି ବାହାରିଯିବ। ISIS ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନି, ISIS ଆପଣ ସେଇ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କି ହାମାସକୁ ଯେଉଁ ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ସମ୍ଭବତଃ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ହାମାସ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିପାରେ, ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ରାତି କହିଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କିଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପାଇଁ। ତିଳ ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଛି। ମହାଳୟ ତିଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାଳୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମହାଳୟ ଅବସରରେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ତମାମ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ମହାଳୟରେ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ବେଶ ବା ମହ ସରସ୍ୱତୀ ବେଶ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି।
भक्त माने किभली सुविधा रे मां कर दर्शन करि परिबे सेति बे बैरिकेटिंग करा जाय छी सुरक्षा व्यवस्था करा जाय छी कडाकडी यहा पर नवरात्र